गाइस अब आते हैं मेन मुद्दे पर, यानी के तो गाइस मैं तो बहुत ज्यादा कुछ हो चुका हूँ, क्योंकि आपके क्या मिला इनको आखिर में ठेंगा भाई, घुमरा भी घुमरा है। तो गाइस कल हमने तो भाई फुल माहौल भी बनाया होता भाई, तो है गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अगर तुम लोग इस चैनल पर नए हो तो किस चीज का इंतजार करो, पकड़ दो तुम लोग को बिल्कुल नहीं मिलने वाले, इसे लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। तो गाइस आपको लग रहा है कि भाई आपने छुट्टी हुई है, तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो बैग है स्कूल वाला वो फट चुका है। चल झूठा। और गाइस अब मैं देख रहा हूँ खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 एपिसोड नंबर 60। तो उससे मेरा क्या फायदा? तो अगर आप देखते कमेंट में लाजमी बता देना, तो आपको 60, 70, 80 एपिसोड देखने के बाद मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गाइस खतरों का खिलाड़ी तो मैंने देख लिया, तो गाइस अभी लग रही है मेरे पेट को भूख, तो लेके आते हैं नान। तो गाइस अब आते हैं मेन मुद्दे पर, यानी के पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच के बारे में। यार जब इनको पता है कि 19 सितंबर तक बारिश होनी है, फिर ये क्यों श्रीलंका में मैच करा रहे हैं? मतलब के क्यों, जब इनको पता है बंदे आते हैं टिकट लेके, डकी भाई फुकरा इंसान, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर पाकिस्तान के इंडिया के, जब आते हैं तो क्यों यार ये लोग करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। मतलब के भाई साहब फुल खर्चा करवाते हैं, फिर बाद में आगे कहते हैं भाई मैच खत्म हो गया, एक एक पॉइंट दे देते हैं, कोई मतलब के कोई, अब मैं क्या कहूँ, बल्कि मेरे पास शब्द नहीं है। पिछली बार पाकिस्तान ने इतनी अच्छी बॉलिंग की कि क्या मिला इनको आखिर में ठेंगा। तो यार इससे अच्छा मैच खेलो ही ना जब आपने ये करना है। तो गाइस कल हमने तो भाई फुल माहौल भी बनाया होता भाई साहब, चीज़ वीज लाए थे, खाना वाना खाएंगे और मैच इंजॉय करेंगे, लेकिन बारिश ने सारा दिमाग भी खराब कर दिया और काम भी खराब कर दिया। तो यार एनीवेज चलो यार कुछ नहीं होता, अगली बार इंशाल्लाह बारिश नहीं होगी। हाँ जी, हाँ जी, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? कह रही कुछ भी नहीं चाहिए, तो चलते हैं इधर से बाहर। तो ओ भाई पीछे हो जाओ, आपको लग जानी है भाई, पीछे हो जाओ, दरवाज़ा लग जाएगा पीछे, पीछे हो जा। तो गाइस अब हम क्या करें यार, ये बिल्ली बड़ी जिद्दी है, जब काम पे आती है ना, जब एक बात पे अड़ जाती है, बस उस बात पे ही अड़ी रहती है। उठगी उठगी उठगी, लगता है इसको मेरी बात समझ आ गई। चल 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 चल। तो गाइस जो मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आपको ये सरप्राइज देने वाला हूँ, तो गाइस वो सरप्राइज यही था कि पाकिस्तान जीतेगा भाई साहब। गाइस अभी घर में कोई भी नहीं है, मैं और मम्मा और मेरा बड़ा भाई है, और घर में कोई भी नहीं है, और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं कोई कार्टून देख लूँ, मूवी, कार्टून वाली मूवी। तो यार कार्टून मूवी देखने के बाद, आई मीन कार्टून मूवी स्टोरी देखने बाद आपको मिलते हैं। तो गाइस मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका हूँ, क्योंकि आप पूछ रहे हैं भाई क्यों खुश हुए हो आप। तो गाइस मैं बताया था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच दोबारा शुरू हो चुका है, और गाइस मुझे तो बहुत खुश हो रहा है, शुक्र अब मैच दोबारा शुरू हो चुका है। और इब्राहिम कौन जीती की टीम भाई? मेरा तो मोबाइल ठीक हो गया, पिन खराब थी, आ जाके डलवाइयो, कवर भी न्यू डलवा लिया है, तो सवा गंदा ये। तो गाइस आप दुआ करना कि पाकिस्तान जीत जाए। वैसे तो ये व्लॉग मैच मतलब के या रात को मैच खत्म हो जाना, ये व्लॉग आएगा कल शाम को, लेकिन फिर भी जब आप देख रहे होंगे तो दुआ कर देना, शायद फाइनल में दोबारा आमना सामना हो जाए। तो गाइस वैसे तो पाकिस्तान का मैच शुरू हुआ है, लेकिन मुझे भाई जाना है अंदर से पढ़ने, तो अभी वही शलवार कमीज पहनते हैं और चलते हैं मस्जिद, वैसे भी 15 मिनट लेट हो चुकी है। तो गाइस हम रेडी हो चुके हैं, मैं भी हो चुका हूँ और इब्राहिम भी हो चुका है, तो अब आपको मिलते हैं मगरिब की नमाज के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो गाइस हम दरसे पढ़ के आ चुके हैं और नमाज भी पढ़ के आ चुके हैं, तो गाइस अभी पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है, और गाइस इंडिया ने जो टारगेट दिया वो दिया 357 रन का, पता नहीं विकटें कितनी है, लेकिन रन है 357 टारगेट है, 356 बनाए हैं, 356 का टारगेट है, क्योंकि बैटिंग में तो अभी तक भाई फुल फजूल खेल रहे हैं, 8 बॉलों पे फकर जमाने 0 है, और तकरीबन 14-15 बॉलों पे इमामू लगता है जी 14। तो भाई साहब दुआ करो यार जीत जाए पाकिस्तान, अब दुआ ही कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो गाइस एक आउट भी
का यार, ये तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? सब मामू लक आउट हो चुका है और एक आउट 17 रन और 4 ओवर 3 वाले ऐसे आउट हुआ भाई मामू लक। भाई साहब बुमराह नहीं है भाई साहब, अब इनको सिर्फ लकी भाई बचा सकता है। अब इनके साथ कोई अब या चाचा मारे छक्के, या मारे कोई फखर जमान, या कोई चल ले भाई साहब किसी का सिक्का। अगर किसी का सिक्का चलेगा तो भाई हम जीतेंगे, वरना मैच हमारे हाथ से वैसे ही गया हुआ। अभी तो भाई वैसे ही गया हुआ। 4 ओवर 1 बहुत सारा, 4 ओवर 2 वाले स्टार है भाई। बुमराह भी बुमराह है भाई, नाम भी हाँ बुमराह है इसका। साहब 4 ओवर 4 वाले स्टार्टर हैं यार, क्या कर रहे हो ठोको? देखो यार मिस हो आ रही है, मैं इससे ज्यादा दिखा नहीं रहा क्योंकि कॉपीराइट आने का खतरा है। कॉपीराइट आ गया तो अपना चैनल डेड हो जाना भाई, आवाज लग जानी अभी तो यार। अब आपको मिलते हैं तकरीबन 10 ओवर के बाद। तो गाइस अभी 10 ओवर हो चुके हैं और 43 रन है, एक आउट है वही जो इमामुल्लाह हुआ था। अब आपको मिलते हैं 25 ओवर के बाद। तो गाइस दोबारा से बारिश ने जीना हराम कर दिया है और इस बार भाई साहब बारिश ने सच में जीना हराम किया है, क्योंकि भाई साहब बाबर आउट हो चुका है और रन भी बहुत कम है। मैं तो कहता हूं या अल्लाह बारिश करवा दे, अब बारिश तू आज बरस जा। तो उससे मेरा क्या फायदा? आज तेरा है जी सही वक्त। तो आप सुन रहे हो ना बारिश या बारिशा जो भी है। तो गाइस अब व्लॉग एंड करने का वक्त आ चुका भाई साहब, मैच बारिश हो रही है भाई साहब, मैच में मैच बंद हो गया और मुझे नींद भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो मैंने सुबह स्कूल भी जाना है, आज छुट्टी कर ली थी, बैग आ गया है तो अभी मेरा भाई लेने गया है। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, क्या कहते हैं, गुड बाय बाय बाय, टाटा सी यू।